औरत की अगर हम लिबिडो को देखें तो पता चलता है कि इसकी खास खूबी है कि ये खुद अंदर से कम उठती है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि कोई एक्शन बंदा ले तो ये उठती है औरत के अंदर जोश आता है। अब वो एक्शन कहें आओ सेक्स करें, वो कहें जी मगरों भी लें पीछे पे आ गए, बता क्या करें। ऊपर से जब वो रिजेक्ट करती है तो बंदे की जो आत्मा रुक जाती है, वो जो उसको अपनी नज़र में ही अपने आप को बड़ा घटिया समझ रहा है, तो फिर ऐसा तरीका हो कि उसकी आत्मा भी ना रुले, सेक्स भी हो जाए, तो फिर जनाब वीडियो तो फिर पूरी देखनी पड़ेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है, अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमारी जो ख्वातीन हैं वो सेक्स करती हैं तो बड़े ही नखरे से कि जैसे कोई बड़ा एहसान कर रही है, तो बंदे बेचारे पीछे लगे रहते हैं और कहीं जाके वो मानती हैं। तो एक कोई ऐसा तरीका हो कि जनाब वो इनकार ना करे, ठीक है, यानी कि जब आप उसको ऑफर करें और वो उसका सेक्स जो है वो रेडी हो, ये इसके लिए तो फिर बड़ी रियाजत करनी पड़ती है ना। चले क्या याद करेंगे आप, आपको वो तरीका हम सिखा देते हैं। अच्छा जी, औरत को जब आप कहते हैं ना डायरेक्टली कि ओके हनी लेट्स हैव सेक्स, वो कहती हो मेरे से इतनी बड़ी चीज़ मांग ली इसने, ये है ही भूखा इस चीज़ का और ये मुझसे तो प्यार शार करते ही नहीं, तो मैं नहीं इसको देती, ठीक है इसने वो मेरी बदतमीजी की थी, ये कहा था वो कहा था। इसलिए कभी औरत को डायरेक्टली आप सेक्स की ना उससे डिमांड ना करें। औरत की अगर हम लिबिडो को देखें तो पता चलता है कि इसकी खास खूबी है कि ये खुद अंदर से कम उठती है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि कोई एक्शन बंदा ले तो ये उठती है औरत के अंदर जोश आता है। अब वो एक्शन कहें आओ सेक्स करें, वो कहें जी मगरों भी ले पीछे पे आ गए, बता क्या करें। ऊपर से जब वो रिजेक्ट करती है तो बंदे की तो आत्मा रुक जाती है, वो जो उसको अपनी नज़र में ही अपने आप को बड़ा घटिया समझ रहा है, तो फिर ऐसा तरीका हो कि उसकी आत्मा भी ना रुले, सेक्स भी हो जाए, तो फिर जनाब वीडियो तो फिर पूरी देखनी पड़ेगी ना। डॉक्टर बरकी से फ़ायदा उठाना है तो फिर वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। इसका तरीका ये होता है कि औरत को हमेशा इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लड़की को कहते हैं कि अच्छा यार आज तुम बड़ी थकी आई हो, मैं तुम्हारी गर्दन की मालिश कर देता हूँ। ये एक बड़ी आम सी ऑफर है, कोई ऐसी बड़ी ऑफर नहीं है, वो कर दो। अच्छा, औरत को जब आप टच करते हैं कुछ करते हैं तो उसके अंदर हीट जो है वो डेवलप शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं ओके यार चलो तुम्हारे पाँव की मालिश भी कर देते हैं, कैसे कर दो, ये बड़ी अच्छी बात है कर दो, ठीक है। इस तरह इसे हम कहते हैं स्मॉल ऑफर्स, ऑफर ऐसी करें जिसमें सेक्स नज़र ना आए लेकिन वो स्मॉल ऑफर्स हो जो कि ऐसा ऐसा सेक्स की तरफ उसको लेके जा रही है, ठीक है। अब ये कि स्मॉल ऑफर को अगर रिजेक्ट भी कर दे तो आपको इतना दुख नहीं होता, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आपकी पर्सनैलिटी को उसने तबाह बर्बाद कर दी है जैसे आमतौर पर होता है। लोग तो गुस्से में आ जाते हैं, लोग तो लपड़ छपड़ कर आते हैं लड़की को जब वो इनकार करती है कि तूने मेरी तोहीन की है, यहाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर वो कहती नहीं नहीं ये भी नहीं तो फिर क्या करना है, फिर आप अपना जेन दौड़ाएं और उसको नई ऑफर्स करें। मिसाल के तौर पर ओके उससे छोटी ऑफर करें, चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना देता हूँ, चलो कॉफ़ी तो पियो, चलो ये वीडियो तो देखो मूवी तो देखो, जरा आप सेक्स की मूवी देखते हैं, ठीक है। वो फिर यानी कि पहले आपने मेन्यू दिया, फिर आपने वो फेल हो गया तो आपने दूसरा मेन्यू दे दिया,
अब उसमें फीमेल में हीट आनी शुरू हो जाती है, फिर वो उससे बड़ी ऑफर कि ब्रेस्ट मसाज को वो कहेगी ओके कर दो, फिर वजाइना मसाज ओके कर दो, फिर कब पता चलेगा कि सेक्स भी हो गया, कहेगी गुड आई एम हैप्पी, ये नहीं कहेगी मैंने तुम पे कोई बड़ा एहसान किया है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें आपने ये देखना होता है कि जब आप स्मॉल ऑफर कर रहे होते हैं तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि उसकी जो बॉडी है वो सेक्सुअल रिस्पॉन्स दे रही कि नहीं दे रही। जैसे गालों पे लाली आ रही है, ब्लश कर रही कि नहीं कर रही, आंखों की पुतलियाँ फैली है, सांस जो है उसका अब जब बेरबत होना शुरू हुआ है, आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं, तो इसे हम कहते हैं विजिलेंस। तो एक आपने स्मॉल ऑफर्स करनी है और दूसरा आपने विजिलेंट रहना है, और तीसरी चीज़ कहलाती है वल्नरेबिलिटी। और बड़ा पसंद करती है कि आप उसके साथ बात करें और अपने जज्बात का इजहार भी करें, मतलब कि जो वो तुम्हें टच करके तो मैं तो गया, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, और कहती वाह 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 मेरी वजह से देखो इसके साथ क्या हो रहा है, और ये कैसा बंदा है जो अपने आप को टोटली एक्सपोज कर रहा है। तो ये इसका है तीसरा पिलर कि आपकी ऑफर को, सेक्स की ऑफर को रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये बिल्कुल रिजेक्शन प्रूफ फॉर्मूला है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ, और ये बड़ी बरसों की रियाजत के बाद ये मुझे हासिल हुआ है। तो आप लोगों की नज़र करता हूँ, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।